Despite of the anger shown by the Ukrainian government, the president of Russian Federation is now also the president of United Nations Security Council. With the help of China, Russia could achieve this position. अगर हम जाने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, वहाँ 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि हैं आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, और 10 टेम्प्ररी या आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं. सो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, और ये आउट ऑफ 15 मेंबर्स में आपके एक महीने के लिए कोई एक प्रेसिडेंट बनेगा. तो चाइना के सपोर्ट से अभी जुलाई 2024 में पुतिन जी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के. आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी, पुतिन ने बहुत सारे एजेंडा को बाहर रखा. इंडिया की बात करते हुए पुतिन ने कहा कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, इंडिया इज ग्रोइंग एट इट्स वेरी हाई स्पीड, बट इंडिया इज बीइंग प्रेशराइज्ड बाय रशिया. In this current world order, India is at a very comfortable place where it is a friend of both Russia and US. But as we all know, the world order changes very quickly. So India need to be very alert by the friendship of Russia and US.